तो मैंने आपका नाम सही बोला, ईमान अहमद नाम है ना आपका, फिर क्या नाम है? ईमान जनरल। ये इतना लंबा नाम कैसे है, मुझे तो नहीं पता था, मुझे तो ईमान अहमद ही पता है। ईमान डायना स्टेसी अहमद। ईमान डायना स्टेसी अहमद, सही बताए। तो ये बीच के दो नाम किसने रखे, अम्मी ने, अबू ने, या ईमान ने खुद? आपने? क्यों? Because they are YouTubers and I like that. क्या करते हैं ये लोग? They always do activities. कौन सी activities, कैसी? Lot of activities. तो आप उनको follow करती हैं? आपने कभी उनकी एक्टिविटी को घर पे करने की कोशिश की है? कौन सी एक्टिविटी थी? जिमनास्टिक्स। आपको आता है? कर सकती हैं? I can even do splits. Wow, splits. And a kite, not a kite. I can even do a roller. वाह वाह, मैं तो इम्प्रेस हो गई ईमान, मैं तो इसमें से कुछ भी नहीं कर सकती, मुझसे तो शायद भागा भी नहीं जाए थोड़ी देर के। ये आपके पास क्या है, ये क्या चीज़ है, ये क्या है? ये माय बेस्ट फ्रेंड। आपकी बेस्ट फ्रेंड है ये? क्या नाम है इनका? मिनी माउस। आपने खुद से कोई नहीं नाम रखा हुआ इनका? इनके बगैर सो जाती हैं आप या नहीं? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपका येलो, पूरा येलो सॉक्स, येलो आपका टॉप और पोल्का डॉट्स वाला स्कर्ट बहुत ही प्यारा लग रहा है। अच्छा जी, हमने कहा था ना, हमने आपके लिए, अच्छा नहीं उससे पहले मैं, मुझे पता चला है आपके पास बहुत ढेर सारी डॉल्स हैं और डायनासोर्स हैं। हाँ, कितनी डॉल्स? 58, you mean 58 dolls? 58 dolls हैं इनके पास। इतनी बड़ी जगह कहाँ आती है, कहाँ रखती हैं आप उन्हें कमरे में? बॉक्स एंड डॉल हाउस। वाह, और डॉल हाउस भी है? माय साइज। योर साइज? तो उसमें खुद घुस जाती हैं क्या आप? खुद घुस के अंदर करती हैं? तो वो तो ऐसे होता होगा बिल्कुल ना, इक्वल आपके हाइट का। तो डॉल्स का इतना शौक, कौन सी डॉल फेवरेट है, किस तरह की है? बेबी डॉल्स हैं, फेरी डॉल्स हैं, कौन सी डॉल्स हैं? माय फेवरेट डॉल इज इन माय बर्थडे आई गॉट। व्हिच वन वाज इट? आई हैव टू फेवरेट डॉल्स, वन इज अ जिगेंटल डॉल, हर नेम इज एरियल। एरियल, सब बच्चों को एरियल ही पसंद होती है, आई डोंट नो व्हाई। पहले तो हम ईमान को गिफ्ट ला के दिखाते हैं ईमान का, ठीक है? चलें जी, ईमान का गिफ्ट लेकर आएँ। जैसे कि ईमान, मुझे ये बताएं, एक्टिंग में कैसे आई हैं आप? किसका शौक था, आपको शौक था या मामा ने बोला कि ईमान ये ट्राई करते हैं? कैसे हुआ था? एक कमर्शियल हुआ था, उसमें ना मैं बड़ी होकर मायरा खान बनी थी। ओह वाह, मायरा खान से मिली थी आप उधर? अच्छा लगा था? यस। आप उनको पसंद करती हैं? वो बहुत नाइस हैं। वाह वाह, तो फिर ये ड्रामों में कैसे आ गई आप? मामा ने कहा कि ईमान ये ट्राई करते हैं, ईमान ये कर लो, तो पहली बार जब जब हमने एक कोई गर्ल को देखा होगा शो में या कहीं ड्रामे में, तो मम्मा को शौकीन हो गई। मामा ने कहा ईमान चलो आप भी करेंगे, ठीक है? चलो, आपका गिफ्ट आ गया है, पहले देखते हैं कि ईमान के गिफ्ट में क्या है। क्या है? खोलें खोलें आप अपनी अपनी, हाँ उधर स्टफ टॉय को साइड पर, मिनी को साइड पर रख दें, आप इसे खोल के देखें क्या है। वाओ, अच्छा है? नहीं अच्छा है, जवाब भी तो दो, बताओ भी तो सही ना, ताकि लोगों को पता चले कि अच्छे मजे की चीज़ है। I like it. You like it? क्या है? सीधा कर लो, सीधा कर लो, गिर जाएगा। केक पॉप हाँ ना, do you like it? केक पॉप, yes you like it? ओके ठीक है, अभी रख दें, फिर आप इंटरव्यू के बाद खा लीजिए, अगर बीच में ब्रेक लेंगे तब खा लेना। चल लें जी, ये तो ईमान को पसंद आ गया, और क्या है? चलें अब हम इन चीज़ों को साइड पे रख देते हैं और फिर ईमान दोबारा ले लेगी, ठीक है? जाने से पहले सब अपना बॉक्स लेके जाएगी। ये बताएं कि ये डंक में कैसे हम ईमान को देख रहे हैं, क्या हुआ था डंक तक, डंक कैसे ईमान के पास? मम्मा ने ना, किसी ने ना कॉल किया मम्मा को फोन। अच्छा, पर ओके, पे हम लोग ऑडिशन में गए, ठीक है? थ्री, यू मीन बहुत सारे ऑडिशन होते हैं डंक में, जो फाइनल राउंड हुआ ना उसमें मैं और एक दूसरी गर्ल थी, ठीक है? तो हम दोनों का एक कॉम्पिटिशन हो रहा था कि कौन सबसे बैड एक्टिंग करे, बेस्ट एक्टिंग करे, बेस्ट एक्टिंग करेगा। ओके, तो मैं, वो ने ऐसे ब्लड यू कर दिया और मैंने बहुत अच्छा किया। तो क्या बुलवाया था उन्होंने, उन्होंने कहा क्या, कहा कि ईमान क्या बोलो? उन्होंने मुझे
एक सीन था उसमें मुझे करना, बस कहीं रोना था। रोना था तो ईमान कैसे रोई? ऐसे कोई थी, मैं सो रही होती थी और पे मुझे ड्रीम आती थी। अच्छा, पे मैं ऐसे करती थी बाबा, और फिर आप उठ के डर के रोना शुरू हो जाती थी। वाओ ईमान, ये तो बड़ी अच्छी है आपने एक्टिंग की। तो आप एक्साइटेड थी, शौक है आपको काम करने का? हाँ, स्पेशली जब मैंने, मुझे एक ड्रामे में जो मम्मा बनी थी ना वो बहुत अच्छी है। कौन इस ड्रामे में? यासरा आपी बहुत अच्छी है। क्या करती हैं वो? उनके बाद बेबी हो गया। हाँ, आप गई थी देखने? बेबी देखने नहीं गई थी। हाँ। उन्हें लगाया था। अच्छा, लेकिन यासरा आपी से आपकी दोस्ती है, तो पहली बार जब आप मिली थी उनसे तो उन्होंने क्या कहा? उनने बस कहा था उनने मेरा नाम रखा था छोटू पटूटू। छोटू पटूटू, ओके। तो वो क्या कुछ गिफ्ट लाती थी, चॉकलेट लाती थी? चॉकलेट नहीं, गिफ्ट। गिफ्ट? थ्री गिफ्ट। वाओ भाई। वन डॉल का सेट, डॉल का सेट, वन पिंक पैंथर और ट्वीटी। यार ईमान, आप तो बड़ी लकी हैं, आपको तो बड़े गिफ्ट्स मिल रहे हैं। और सेट पे और कौन, किससे दोस्ती है आपकी सेट पे? बिलाल भाई, जिसको मैं बोलती हूँ गुस्से वाले भाई। क्यों? बिलाल भाई को गुस्से वाले भाई क्यों बोलती हैं आप? इसलिए वो हर ड्रामे में गुस्से बनते हैं। बट वैसे अच्छे हैं। वैसे अच्छे हैं बिलाल, लेकिन तो उनसे दोस्ती है? वो कोई गिफ्ट विफ्ट लाते थे, वो कहते थे ईमान चलो मैं आपको कुछ आपके साथ फाइटिंग वाइटिंग करता हूँ या कुछ करता हूँ, या कोई बातचीत करते थे? बहुत सारी बातें करते थे। क्या बातें करते थे वो? तो वैसे ही। अच्छा ये बताओ ईमान, जब आप कैमरा पहली बार आपने शूट किया, कैमरा सामने ऑन हुआ, रोल हुआ, तो डर लग रहा था आपको? बहुत डर लगा। कैसा, क्या किया, फिर क्या सोचा, कैसे हिम्मत पकड़ी, कैसे ईमान, हाउ डिड ईमान बिकम ब्रेव? मैं बस थोड़ा सा स्केयर्ड हुई थी कि अब तो मैं टीवी में आऊंगी, मुझे डर लग रहा है। तो फिर मैंने अपने दिल में सोचा मैं मामा के लिए कर दूंगी। वाओ दैट्स सो स्वीट, आप इतनी अच्छी हैं। तो मामा खुश हुई थी? जब मैं अच्छा सीन करती हूँ ना तो मामा बोलती, जब मैं मम्मा को देखती हूँ, जब मैं गंदा सीन करती हूँ तो मैं मम्मा को देखती हूँ ना, तो मम्मा कहती है। तो मामा आपके साथ शूट पे हर सीन पे आपको ये दे रही होती है रिएक्शन, बोल रही होती है कभी ईमान ने अच्छा किया है, कभी ईमान ने बस ओके किया है। जब मम्मा मुझे डांटती है ना सीन में, तो मैं अगेन अच्छा अच्छा कर देती हूँ, तो मम्मा करती है। तो मामा को क्या पसंद है? आप जाके मामा को हक करती है, किस करती है, क्या करती है ईमान? सब कुछ, सब कुछ, सब ज्यादा क्या करती है? सबसे ज्यादा तो मैं मामा को किस करती हूं। किस करती है ना? और लव करती हूं। लव करती हूं। आप मामा के साथ सोती हो, अकेले सोती हो? मामा के साथ, हैंड में और लेग पकड़ के, है ना। अच्छा आपकी आपी भी तो है, उनका क्या नाम है? हानिया अहमद। उनको आप क्या बुलाती हैं? आप ही बुलाती हैं? क्या कहती हैं? आप ही बुलाती हैं। तो आप ही के साथ कैसा है, लड़ाई होती है या आप ही बहुत अच्छी हैं, सारी बातें मानती हैं या ईमान तंग करती है उन्हें? लड़ाई होती है। लड़ाई होती है? किस बात में लड़ाई होती है? जब मुझे कुछ खेलना होता है आप ही के साथ। खेलना होता है आप ही के साथ? आप खेल रहे हो कि आप ही कहती हो कि बिजी हो मुझे तंग नहीं करो, है ना। तो फिर ईमान क्या करती है? तो मैम, फिर आप ही मान जाती हैं? मानती नहीं मानती, बट बेबी कभी कभार मान जाती। आप ही से सिफारिश करनी पड़ेगी ईमान की, है ना, कि ईमान की नहीं, आप ही तो बहुत अच्छी बच्ची है, अच्छी बच्ची। मुझे तो प्यार करती है। बिल्कुल। तो किस क्लास में है? वन। क्लास वन में है। और आपकी फ्रेंड्स आपके शो देखती हैं, कुछ कहती हैं या नहीं? मेरी एक बिल्डिंग में रहती है, उसका नाम है सारा, वो अभी शिफ्ट हो रही है। ओके। लेकिन जब उसने आपको सारा नहीं, आपकी किसी फ्रेंड ने टीवी पे देखा था, तो क्या कहा था? कि बोला था ईमान मैंने आपको टीवी पे देखा नहीं, वो अरुत कहती है कि ईमान मैं तो आपका ड्रामे का रोज वेट कर रही हूँ। हाँ, कब आओगी? अच्छा ईमान ये बताओ, जो आपका भी ड्रामा चल रहा है डंक, उसमें मजा आया था शूट पे जब शूट कर रही थी? क्या मजा आता था उसमें? क्या बातें करती थी उनके साथ? बहुत बातें करती हूँ, जैसे आपके साथ कर रही हूँ। अच्छा, तो आप यासरा आप ही के साथ ये होता था सीन से पहले, आप डिसाइड करती थी ठीक है ईमान मैं ये बोलूंगी तो आप ऐसे करना? हाँ, क्या और
मम्मा जब मम्मा मुझे सिखाती है ना, यासा भी कहती है नहीं इसको मत सिखाओ, ये बहुत अच्छा करती है। हाँ खुद ही से अच्छा करती है ना, इसको पहले से ही नहीं पता ये बात। मैं बहुत अच्छी एक्टर हूँ। अच्छा।